हेलो सर, मेरा नाम विजय। और दोस्तों ये मेरे पास में पोको का पोको C65 स्मार्टफोन जो कि भाई आता है MediaTek के Helio G85 प्रोसेसर के साथ में। अब इस फोन को मैं लगभग 10 दिन से यूज कर रहा हूँ। इस फोन को मैंने इंडिया से परचेज करा था और अभी मैं वापस आ चुका हूँ दुबई में। पोको C65 दोस्तों अराउंड 7500 का इजिली अवेलेबल हो जाता है थ्रू फ्लिपकार्ट इंडिया। वैसे इस वाले फोन को मैं लगभग 10 दिन से यूज कर रहा हूँ, लेकिन आप बोल सकते हो कि मैं इस फोन को 1.5 महीने से यूज कर रहा हूँ, बिकॉज इसका जो भाई है Redmi 13C जो कि सेम लेके आता है, वो भाई मैं 1.5 महीने पहले अनबॉक्स कर चुका हूँ, रिव्यू भी कर चुका हूँ 1 महीने पहले अपने चैनल के ऊपर, इवन बिफोर द लॉन्च इन इंडिया, बिकॉज मैं दुबई में रहता हूँ और वहां पे ये फोन पहले ही लॉन्च हो चुके थे। तो पोको C65 दोस्तों एज आई एम यूजिंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, मैं आपके साथ में एक डिटेल लॉन्ग टाइम रिव्यू शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज बहुत कुछ है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ इस फोन के बारे में। सिर्फ स्पेक्स नहीं, रियल लाइफ यूजेज में मेरे को क्या क्या दिक्कत आई और क्या क्या चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी इस फोन के बारे में, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो में, जिसके लिए वीडियो में दोस्तों एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। बॉक्स के बारे में बात करेंगे, फोन के बारे में नहीं करेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया जब फ्लिपकार्ट का जो डिलीवरी एजेंट आया था उसने मेरे को बोला कि भाई फोन खोल के ही मिलेगा, बिकॉज मैं इस फोन की अनबॉक्सिंग करना चाहता था एज अ यूट्यूबर, लेकिन उन्होंने सील तोड़वा के हमें दिया है, बिकॉज वो बोलते हैं कि भाई बहुत लोग फिर बोलते हैं कि इसके अंदर ईंट पत्थर निकले तो हम लोग सिक्योरिटी के लिए फोन खोल के देते हैं। ये चीज मुझे सरप्राइजिंग लगी। तो फोन खुल चुका ऑलरेडी, पीछे की तरफ मेड इन इंडिया लिखा है, प्राउड फीलिंग आती है इसको देख के, बिकॉज मैं अक्सर दुबई से फोन रिव्यूज करता हूँ, यहाँ पे मेड इन इंडिया लिखा हुआ नहीं आता है। तो स्टोरेज वेरियंट लिखा है 128GB 4GB इन पेस्टल ब्लू कलर, बाकी का फोन पूरा सेम है। एक और सरप्राइजिंग चीज लगी कि बॉक्स के ऊपर भाई MRP नहीं लिखी हुई है। आई थिंक ये एक सिर्फ ऑनलाइन एक्सक्लूसिव वाला फोन है, इसलिए जो पोको के फोन्स होते हैं वो सिर्फ ऑनलाइन बिकते हैं। एंड रेडमी जो 13C है वो ऑफलाइन भी बिक रहा है, लेकिन ऑफलाइन भाई उसका प्राइस 500 ज्यादा है। ये यहाँ पे टोटली रेडमी एंड पोको ही गलती है, बिकॉज ये लोग ऑफलाइन रिटेलर्स को ज्यादा प्राइस में बेचते हैं, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह ही बीच में आते हैं, ऑनलाइन सस्ता बेच रहे हैं। तो जानबूझ के ऑफलाइन वाली मार्केट ये लोग खराब कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई है, वो वीडियो जल्दी आ जाएगी। बात करते हैं दोस्तों पोको C65 के बारे में, जहां पे हमें ये नया पेस्टल ब्लू कलर देखने के लिए मिल जाता है। फोटो में और वीडियो में बहुत बार ये पर्पल भी आप समझ सकते हो कि लगता है, लेकिन जब इसको बहुत ही ज्यादा क्लोज से देखोगे तो डेफिनेटली ये वाला आपको ब्लू कलर ही नजर आएगा। डिजाइन में मैंने दोस्तों एक चीज नोटिस करी कि रेडमी 13C जो कि मैंने रिव्यू करा था उसमें पूरा यहाँ तक ग्लॉसी डिजाइन नहीं थी, यहाँ पे पोको ने थोड़ा सा चेंज करा है कि पूरे यहाँ पे ग्लॉसी डिजाइन दे दिया और यहाँ पे पोको लिख दिया है। रेडमी में उल्टा था, रेडमी में यहाँ तक ग्लॉसी डिजाइन थी और इस तरफ कुछ रेडमी लिखा हुआ था, तो सिर्फ ये चीज चेंज करी गई डिजाइन में। इसके अलावा बाकी सारी चीजें सेम है, जैसे कि प्लास्टिक बिल्ड है, 8.1 मिलीमीटर की इसकी थिकनेस देके रखी है, 192 ग्राम का इसका वेट देके रखा है जो कि काफी कंफर्टेबल फील भी देता है हाथ में। इसकी बॉक्सी सी डिजाइन है और फ्लैट एजेस के साथ में ये वाला फोन आता है। हाथ में पकड़ने में दोस्तों आपको ये नहीं लगेगा कि आप कोई चीप सा फोन चला रहे हो, आपको लगेगा कि रेडमी की किसी नोट सीरीज वाला फोन आप चला रहे हो, बिकॉज डिजाइन प्रीमियम कर दी गई है इस बार। कैमरा रिंग दे दी गई है जिसके अंदर यहाँ पे 3 कैमरा हाउस करके रखे हैं, इसके बारे में बात करेंगे आगे इस वीडियो में। पोर्ट्स में यहाँ पे Type-C पोर्ट देके रखा है, 2 सिम आप इसमें डाल सकते हो और माइक्रो एसडी कार्ड को भी सपोर्ट करता है। बेस वेरिएंट दोस्तों 128GB से स्टार्ट हो जाता है, विच इज अ लॉट ऑफ स्टोरेज। पहले यहाँ पे 64GB आया करता था इस प्राइस सेगमेंट में, वो चीज यहाँ पे चेंज हो रही है, डबल स्टोरेज मिल रहा है। 4GB की रैम है जिसको 2GB से एक्सटेंड करके रखा हुआ है बाय यूजिंग रैम टर्बो पोको ने, तो ये चीज भी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। ओवरऑल डिजाइन के साथ में बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ। बात करते हैं दोस्तों डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे हमें एक HD+ डिस्प्ले देके रखी हुई है 6.72 इंचेस की, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइज है, बहुत बड़ा लगता है ये वाला फोन हाथ में। स्क्रीन रेजोल्यूशन की दोस्तों अगर बात करूँ तो HD+ के साथ में मुझे अभी तक तो कोई इशू हुआ नहीं ऑन नॉर्मल यूजेज। फुल HD डेफिनेटली डिटेल थोड़ी सी और डाल देता, लेकिन कंसीडरिंग द प्राइस मैं बोलूंगा कि काफी एक अच्छे ग्रेड की 90Hz वाली डिस्प्ले वाले फोन ने हमें प्रोवाइड करा के रखी है। व्हेन इट कम्स टू मैक्सिमम ब्राइटनेस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई इतनी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है नेवल डिस्प्ले की कोई बोल नहीं सकता। अगेन मैं बोलूँगा कि कोई 7,500 रुपये का फ़ोन आपने हाथ में पकड़ा हुआ है। एंड डिस्प्ले के साथ मैंने यहाँ पे कॉर्निंग के गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देके रखी हुई है पोको ने, तो वो भी एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों एक चीज़ है इस फोन के बारे में जो कि इस फोन की परफॉर्मेंस, उसी के लिए आपको ये रिव्यू देखना चाहिए। ये वाला फोन दोस्तों आता है MediaTek के Helio G85 प्रोसेसर के साथ में, विच इज़ अ ऑक्टा कोर प्रोसेसर। 2 GHz की इसकी क्लॉक स्पीड रखी गई है और यहाँ पे आप देख सकते हो जो Geekbench के स्कोर्स इससे निकाल के दिए ना, सिंगल कोर में 433, मल्टी कोर में 1297, ये स्कोर्स मुझे याद दिलाते हैं Redmi Note 9 की। Redmi Note 9 सिमिलर स्कोर्स के साथ में आया करता था जो फोन था, वो लॉन्च हुआ था भाई 2019-20 के आसपास। पास। तो हम लोग इस फोन के साथ में उस जमाने के 10,000 के फोन को कंपेयर कर रहे हैं। 9 या 10,000 का वो वाला फोन लॉन्च हुआ था, तो परफॉर्मेंस वाइज हमने ज्यादा तरक्की नहीं करी है इस वाले फोन के साथ में। डिजाइन ऑफकोर्स अपग्रेड कर दी गई है, बाकी सारे फीचर्स अच्छे दे दिए गए हैं, जैसे कि हेडफोन जैक भी हमें देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन परफॉर्मेंस के जो स्कोर्स निकल के आ रहे हैं वो इतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। ऑन पेपर भी एंड रियल लाइफ भी मैं इस फोन के साथ में गेम खेल के नहीं देख चुका हूँ, लेकिन मैंने बाकी की सारी एप्लीकेशंस डे टू डे यूजेज में यूज करी है एंड इट फील्स स्लाइटली स्लोअर देन माय पोको M5 जो कि मैं ये वाला फोन यूज कर रहा हूँ। इसके अंदर मीडियाटेक का हीलियो G99 प्रोसेसर है। ये बहुत टाइम से मेरा सेकेंडरी फोन है, इसके अंदर आप देख सकते हो मेरी सारी एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल्ड है, तो इसके कंपेरिजन में मुझे थोड़ा सा स्लो लगा। ये 10,000 के आसपास का फोन है, तो डेफिनेटली दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो आप रेडमी 13C 5G ले सकते हो, जो कि सेम डिट्टो लुक लेके जाता है, सारी चीजें सेम लेके आता है बट विद 5G सपोर्ट एंड विद मच बेटर प्रोसेसर। वो यहाँ पे डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन रहेगी। लेकिन मैंने अपनी रेडमी 13C वाली वीडियो में बोला था कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट हो बजट में तो रेडमी 13C ले सकते हो, और एल्स आप दूसरे फोन्स देख सकते हो जो कि 10,000 के अंडर ही आ जाएंगे और आपको एक बेटर प्रोसेसर प्रोवाइड करा देंगे। 10,000 के अंदर आप रेडमी 13C 5G देख सकते हो, और थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो तो Amazon के ऊपर Redmi 12 5G अवेलेबल है, जो कि Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर के साथ में आता है। उसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे और ज्यादा बेहतर निकल के आ जाएगी, फिर तो आप मतलब जितने भी पैसे डालते जाओ। लेकिन अगर आपको इस फोन में इंटरेस्ट है तो यू कैन गो फॉर द Redmi 13C। इस वाले फोन के साथ में हमें 4GB बेस वेरियंट में रैम मिलती है विद 2GB रैम टर्बो। एज आई सेड, यहाँ पे जो स्टोरेज देके रखी है वो 128GB की EMCC वाली स्टोरेज है। EMCC 5.1 UFS स्टोरेज नहीं है, तो वो भी एक डाउन साइड हो सकता है, जिसके चलते जो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज्यादा स्नैपी नहीं निकल के आ रही है इस वाले फोन के साथ में। बट जो चीज मुझे अच्छी लगी वो है इसका सॉफ्टवेयर। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल ये फोन एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई एंड्रॉइड 14 आ चुका है तो 13 के साथ में कोई शिप कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि रेडमी ने प्रॉमिस करा है, भाई पोको ने प्रॉमिस करा है 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। ये चीज सुन के मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया और मुझे मालूम पड़ गया कि जो वेव चल रही है ना वो आजकल सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस करने की चल रही है एंड सॉफ्टवेयर अपडेट्स प्रॉमिस करने की चलती है। तो उसके हिसाब से देखें तो एंड्रॉइड 14 इस फोन में आ जाएगा और एंड्रॉइड 15 भी इस फोन में आ जाएगा एट 7,500 रुपीज। वो एक काफी अच्छी चीज लगी। एंड सॉफ्टवेयर में एक और नई कमाल की चीज कर दी गई है जिसका हमें बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार था, जो कि है भाई MI डायलर। यहाँ पे वापस दे दिया गया है, जो कि हम अब Xiaomi डायलर बोलते हैं, पहले MI डायलर बोलते थे। यहाँ पे आप ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग कर पाओगे, सामने वाले को मालूम नहीं पड़ेगा। एंड बहुत सारी सेटिंग्स अवेलेबल है, जैसे कि ये पियानो की साउंड आएगी जैसे आप कुछ टैप करोगे। ये उस टाइम का मेरा वन ऑफ द फेवरेट फीचर्स हुआ करता था। एड्स यहाँ पे बहुत ज्यादा लिमिटेड कर दी गई है, बहुत कम एड्स देखने के लिए मिलती है। प्री इंस्टॉल्ड एप्स हमें देखने के लिए मिलती है जो कि रिक्वायर्ड नहीं रहेंगी, तो उसको आप बहुत ही इजिली अनइंस्टॉल कर सकते हो सॉफ्टवेयर के साथ में। फिर दोस्तों एक चीज है जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है बताने के लिए, बहुत लोग कैमरा पूछते हैं कि कैसा निकल के आ रहा है, बिकॉज ऑन पेपर तो रेजोल्यूशन यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का देके रखा है, लेकिन रियलिटी कुछ और होके आ रही है। आजकल 5,000 का ही फोन ले लोगे ना, मैं तो बोलता हूँ उसमें भी ये लोग 50 मेगापिक्सल दे देंगे। तो ऑन पेपर भाई जो यूजर्स इनको इतना मालूम नहीं रहता है फोन के बारे में, वो सोचते हैं कि भाई क्या बढ़िया सा कैमरा देके रखा है। या फिर ऐसे कई बार हो जाता है कि आप भाई ऑफलाइन लेने जा रहे हो तो वहाँ पे प्रोमोटर बोल देता है कि भाई इसके अंदर 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो कि 20,000 के फोन में भी हमें देखने के लिए मिलता है। आप सोचते हो कि भाई वाओ कितना मस्त कैमरा हमें देखने के लिए मिला, लेकिन रियलिटी वो नहीं है, बिकॉज कैमरा में सिर्फ मेगापिक्सल ही मैटर नहीं होते हैं। इन दिस केस आई थिंक कि जो मेगापिक्सल होते हैं वो एक गिमिक की तरह भी एक्ट करते हैं बहुत सारे केसेस में। इस वाले फोन के साथ में वही हो रहा है, 50 मेगापिक्सल ऑन पेपर दिखाया जा रहा है, लेकिन जो यहाँ पे रियल लाइफ कैमरा क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं निकल के आ रही है। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि 2-3 साल पहले भी अगर आपने कोई फोन लिया होता है वो भी आपको सिमिलर सी ही फोटो निकाल के दे देता। तो कैमरा यहाँ पे डे लाइट में एवरेज फोटोज निकाल के दे देता है। वी हैव अ डेडिकेटेड 50 मेगापिक्सल मोड एज वेल, जो कि आपको बहुत ही अच्छा डिटेल्ड फोटो निकाल के दे देगा। अब बहुत ज्यादा जूम करके देख सकते हो, लेकिन जो क्वालिटी निकल के आएगी, जो कलर्स निकल के आएंगे वो इतने ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है इस वाले फोन के साथ में, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इवन जो मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करी वो भी थोड़ी सी शेक कर रही है विद द फ्रंट फेसिंग कैमरा, जो कि एक 8 मेगापिक्सल का यूनिट है, एंड विद द रियर फेसिंग कैमरा एज वेल। तो बहुत ही एक एवरेज कैमरा देके रखा है विद अ पोर्ट्रेट मोड एज वेल। तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड ब्लर के साथ में भी फोटोज क्लिक कर सकते हो। एज डिटेक्शन इतना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन वर्क कर जाता है। तो इट्स अ वेरी एवरेज कैमरा। अगर आपको एक अच्छे कैमरे वाला फोन चाहिए तो भाई आपको आज की डेट में, मैं बिलीव करो बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 25-30,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और एल्स 20,000 से नीचे के तो सारे ही फोन जो आते हैं भाई उनमें बहुत ज़्यादा एवरेज कैमरा आजकल आने लग गया है। तो अच्छे कैमरा के लिए आपको 20-25-30 हज़ार से ऊपर के आसपास खर्च करना पड़ेगा। तो ये वाला कैमरा दोस्तों 1080p 30fps तक रिकॉर्ड कर सकता है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, फ्रंट से भी एंड रियर से भी 4K रिकॉर्डिंग इसमें नहीं देके रखी हुई है, बट जो प्राइस के अंदर आपको चीज़ मिल रही है ना, उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ भाई। पोर्ट्रेट मोड भी दे दिया एंड हाई रेजोल्यूशन मोड भी दे दिया, तो कंप्लेन नहीं बोलूंगा मैं इसको। लेकिन मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि भाई 50 मेगापिक्सल और इसको कंपेयर कर रहे हो फिर 20-25 हज़ार के फोन से, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों स्पीकर के बारे में, जहाँ पे हमें सिंगल मोनो स्पीकर मिलते हैं नीचे की साइड पे, और आप इसका साउंड सुन सकते हो कैसा निकल के आ रहा है। फुल पे ऑडियो है। मोनो स्पीकर से मेरा मतलब है कि सिंगल स्पीकर देके रखे हैं, एक ही ग्रिल है जो कि नीचे की साइड है, ईयरपीस से हमें आवाज़ नहीं आती है और ऊपर की तरफ भी कोई भी ग्रिल नहीं है। तो साउंड यहाँ पे प्राइस को कंसीडर करते हुए अगेन डिसेंट निकल के आ रहा है इस वाले फोन के साथ में। बैटरी लाइफ यहाँ पे सरप्राइजिंगली बहुत अच्छी निकल के आ रही है, बिकॉज G85 एक पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है। लगभग 1-1.5 दिन ये वाला फ़ोन चल जाता है, और चार्ज करने में लगभग 2 घंटे लग जाते हैं, बिकॉज बड़ी बैटरी है। और चार्जर जो है वो 18 वाट तक मैक्सिमम सपोर्ट करता है। बॉक्स के अंदर तो हमें 10 वाट का ही चार्जर देखने के लिए मिलता है। Type-C वाला है वो एक चीज़ इंप्रूव कर दी गई है, बिकॉज Redmi 12C जो आया था लास्ट ईयर, वो माइक्रो USB वाली चार्जिंग लेके आता था, जो कि एक बहुत घटिया चीज़ है आज की डेट में। तो वो चीज़ इंप्रूव कर दी है, Type-C चार्जर दे दिया है, उससे मैं काफ़ी ज़्यादा दोस्तों खुश हुआ। लास्टली दोस्तों 2-3 चीज़ें और है जो कि मेरे को इस फोन के बारे में इंप्रेस कर गई। फर्स्ट इज़ द फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो भाई यहाँ पे बहुत ही एक फास्ट साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देके रखा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा है कंपेयर टू द रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर जो कि हमें पुराने फोन्स में देखने के लिए मिला करता था इससे पहले के जनरेशन में। तो ये चीज़ भी यहाँ पे इंप्रूव कर दी गई है, जिससे कि लुक भी अच्छा हो गया, और भाई बहुत ही अच्छी पोजिशन में इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर दे दिया गया है, जो कि फास्ट भी है। दूसरा, ब्लूटूथ का अच्छा वर्जन दे दिया गया है। ब्लूटूथ 5.3 इस फोन के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है। मैंने कुछ फाइल्स ट्रांसफर करी तो वो बहुत अच्छे स्पीड में हो गई। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टाइट बजट में 7,500 ही खर्च करने हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस फोन। अगर आपको ऑफलाइन परचेस करना है तो यू कैन गो फॉर द Redmi 13C, जिससे कि हमारे रिटेलर भाइयों का भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। अगर आप थोड़े से ज़्यादा पैसे मिला सकते हो तो आप ले सकते हो Redmi का 13C 5G। आंख बंद करके बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ोन है। 5G की स्पीड्स मतलब नेटवर्क स्पीड उससे इंप्रूव हो जाएगी, एंड जो प्रोसेसर है जो MediaTek का डायमेंसिटी उसके अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल के आ रहा है दोस्तों। एक और चीज़ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आ रही है, वो है Xiaomi का बैंड 8, जिसकी वीडियो हमने बनाई हुई है, चैनल के ऊपर लाइव है। आप जाके ये वाली वीडियो भी चेक कर सकते हो। अगर इस बैंड को आपको परचेज करना है तो नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप हमारी वेबसाइट पर जाके इस बैंड को परचेज भी कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, कमेंट करना। कुछ भी क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, और भी बहुत कुछ कर सकते हो, जो करना कर सकते हो। और फिर मैं आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में।